टाइम पे आया हूँ ना आज तो। हेलो हेलो माइक चेक, हेलो 2 3 1 1 1 1 1 1 9 बजे। कितना हो रहा है घड़ी? फास्ट है इसका? नहीं है, नहीं है। 9:06 हो रहा है, 9:06 हो रहा है। वो तो मैं फास्ट रखा हूँ। चलिए भाई, लास्ट क्लास में कहाँ पहुंच गए थे अपन? क्या फोर्स में धजिया उड़ा रहे थे? क्या हो गया भाई? तथा तो थोड़ी था कल, तो कल वाले के यहाँ अपन डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, पता है? फिर अबे आ गया, मैं कर रहा था यार, मैं एंड ट्वेल्थ वाले बच्चे। आप पाँव कांपते हैं भाई। मल्हारी सॉन्ग, लेकिन हमको स्टेप आसान लगा तो मैं बोला चल कर लेते हैं, ऐसे से तो करना है, क्या दिक्कत है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आग लगा देंगे वाला की तो मैं ऐसे 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 करके। हाँ बस बस वही तो चाहिए। अबे नहीं उतना नहीं करना है, उतना नहीं करना है। रखा हूँ मैं दो तीन लोग कवर अप करने के लिए रखा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बहुत गंदा किया मैं साइड में हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी 3 दिन टाइम है यार, आधा आधा घंटा कहाँ। अगर ऐसा होता है कि 3 दिन टाइम है यार, आधा आधा घंटा अगर प्रैक्टिस किया तो मैं रणबीर सिंह से अच्छा डांस करूंगा, पता है? थैंक यू यार, थैंक यू। मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, बहुत जल्दी सीख जाता हूँ कोई भी चीज, बस डांस नहीं सीखता वे। कल बेचारा गौरव बोल रहा है ऐसे ऐसे करना है और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कैसे करना है। फाइनल फाइनल देखना यार तुम लोग, क्या है सब फाइनल। सी यू ऑन 9 नवंबर। ट्रेलर पहले आ जाता है, वो रिलीज करने लायक नहीं है, बहुत गंदा है। आओ आओ। ट्रीजर देखा है? ठीक है। ग्रेविटेशन लेक्चर 2 बालक आइए। तो पहले दिन हम लोग फोर से बात किए थे, और फोर्स में लाओ सवाल भी कुछ था ना, घरेलू सवाल कर लिए सारा। घरेलू सवाल पर चचा बालक चर्चा, कोई डाउट? ए तुरंत बोल देता है, हमने कुछ पूछा ही नहीं। लाओ जल्दी लाओ मोबाइल, लाओ जल्दी जल्दी। ग्रेविटेशन में, ग्रेविटेशन इलास्टिसिटी नहीं, हाँ उसको बाद में लगाएंगे। जल्दी 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 फास्ट, ये देखो व्हाट्सएप निकाल, व्हाट्सएप ये लाओ 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 लाओ। और बाकी डाउनलोड भी नहीं किए, देख रहे हो इलास्टिसिटी इसका ऐसे ही है। बहुत मारेंगे हम, सही बहुत मारेंगे। चलिए भाई, बिगनर बॉक्स 1 में कोई डाउट? पहला दूसरा तीसरा बन गया, ठीक है। उसके बाद था बालक एससी वर्मा, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। ए चार, चार में क्या दिक्कत है, पांचवा बढ़िया सवाल था। 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स हैविंग ईच ऑफ मास सेम, ठीक है भाई। 3 यूनिफॉर्म स्फीयर्स है, ईच ऑफ मास कितना है बालक? एम है, ठीक है। फिर बोला गया है रेडियस आर, रेडियस ए आर केप्ट इन सच अ वे दैट ईच टचेस द अदर 2, मतलब ऐसा डायग्राम बनाना है। फिर बोला गया फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एनी ऑफ द स्फीयर ड्यू टू अदर 2। कुछ नहीं यार, ले
तो इसमें जो कहानी है वो ऐसा है कि देखिए, सारा मास तो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट रहता है, तो यहाँ पे एम, यहाँ पे एम और यहाँ पे एम बाल, क्या अंदर बन जाएगा इलेक्ट्रल ट्रायंगल? इक्विलेटरल बन जाएगा, क्योंकि रीजन है कि स्फीयर आइडेंटिकल है, तीनों कैसा है आइडेंटिकल है। तो ये सारे एंगल हो जाएंगे 60 डिग्री, कितनी हो जाएंगे बालक? 60 60 60। और क्या कल कराया था ये सवाल? अरे यही वाला सवाल है, अभी मत बोला कि तो उल्टा हो गया सर, क्या हमने यहाँ पर निकाला था और क्या नेट फोर्स √3F आया था? यहाँ भी वही आएगा, बस दूरी आ जाएगा 2R वाला, कितना आ जाएगा? क्योंकि रेडियस इसका a है ना, रेडियस कितनी है देखो, क्या इसका भी a? तो बस ये जो कहानी थी बालक, हमने a लिया हुआ था, यहाँ क्या क्या हो गया? साइड 2a हो गया, क्या हो गया? 2a, यही हो जाएगा ना, नहीं समझे? यहाँ भी 2a, यहाँ भी 2a और यहाँ भी, तो क्या आंसर √3F आ गया? किसी एक पे पूछा है, किसी एक पे निकाल दे, देख किसी एक पे अगर निकालेगा तो ए वाला इसको क्या कर रहा होगा बालक? इधर अट्रैक्ट, ए वाला इधर इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, F1 F2, बीच का एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। क्या जितना मास यहाँ है उतना ही मास यहाँ पे, और जितना मास यहाँ है उतना ही मास यहाँ पे, सेपरेशन जितना यहाँ है उतना ही सेपरेशन यहाँ भी है, तो दोनों के बीच की सेपरेशन क्या है? सेम, और दोनों का मास भी क्या है? सेम। तो अगर मैं इसको F1 F2 बोलूंगा तो F1 बराबर F2 बराबर GM स्क्वायर अपॉन 2A का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। डेट इज कितना बालक? GM स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर। और क्या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है, तो क्या एफ नेट की वैल्यू √3F आ जाएगा? कितना आ जाएगा? यानी आंसर हो जाएगा √3। कितना हो जाएगा? √3 GM स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर। कोनो दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं वाला, इजी सवाल, जिसका नहीं बना था लिखें। √3 GM स्क्वायर अपॉन 4A स्क्वायर, दिस इज द राइट आंसर, जल्दी आइए। सिंपल था ना? है तो पांचवा बढ़िया सवाल था, MBA स्क्वायर बाई R से इक्वेट करना था उसको, बस वही अंतर था, एफरेट निकाल के कर लिया। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो ग्रेविटेशन में यही बालक, 5 3 8 सवाल दिए गए थे, कितने? 8 सवाल दिए गए थे ना, ठीक है। पांचवा ऐसे भी JEE लेवल पे हो जाएगा, किसी को डाउट है तो पूछ ले, बता दूंगा। 5 नंबर, एक एक देखे, हाथ खड़ा ही कर देना। गुड 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 गुड। सवाल क्या था बालक? डांस ग्रुप आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए हो गया, फास्ट 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 जल्दी। तो देख अभी जितना कर रहे हो तो करेंगे, इसका अगर कुछ सवाल बच भी जाए ना टाइप के, तो तुमको दिख जाएगा इलेक्ट्रो में, कहाँ दिख जाएगा? हाँ, तो एक तरीके से फिर से रिवीजन हो जाएगा वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कहाँ? तो अपन इसमें थोड़ा सा तेज चल रहे हैं, कुछ अगर मान लें एक आध दो सवाल का टाइप बच भी गया तो कहाँ दिख जाएगा तुम्हें? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बस जहाँ पे मास होना चाहिए वहाँ पे क्या रहेगा? चार्ज रहेगा। तुम समझ जाएंगे कहानी में, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है बालक। आइए तो आज अपन हो सके तो ग्रेविटेशनल फील्ड पे बात करेंगे, इंटेंसिटी, और कल बात करेंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो तीन पोर्शन तरह साफ हो जाएगा, फिर बचेगा तुम्हारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और केपलर्स, और बस उसके बाद 2-3 दिन कहानी उधर रहेगी, खत्म। लाइए 5 नंबर में कोई डाउट बालक? है। जब 4 में डाउट हो सकता है तो 5 तो ऑब्वियस सी बात है, होना ही चाहिए। आइए भाई। हाँ, तो पढ़ने के टाइम में यहाँ बैठ के डांस देख रहे थे, अबे देख तो ऐसा रहा जैसे मैं कहाँ था। बोला गया 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास ए आर मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है भाई, पहले एक बना ले सर्कल, क्या बना ले? सर्कल मूव रहा है, तो 4 पार्टिकल ऑफ इक्वल मास मूव अलॉन्ग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशन अट्रैक्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, यही पूछा है ना, फाइंड ऑफ अ स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। तो 4 पार्टिकल लेना है बालक, 4 पार्टिकल लेना है, तो यहाँ 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 दिखा सकते हैं ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है भाई। अगर यहाँ यहाँ हमने दिखाया तो बोला देख भाई, पहली बात तो ये कि क्या बालक,
टिकटॉक वाली दूसरी बात है बालक, पहली बात यह है कि ऐसा हो जाएगा। और सबकी मास कितनी है? एम है। तो यहाँ भी एम और यहाँ भी एम, यहाँ भी एम और यहाँ भी रेडियस आर बालक, रेडियस कितनी? आर है, यही है ना। फिर हमने बोला कि देख रेडियस अगर आर है तो ये भी आर, तो ये भी आर, तो ए रूट टू आर बालक, दिस इज रूट टू आर, यू नो पाइथागोरस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो रूट टू आर आ गया। क्या ये वाला मास किसी एक मास को पकड़ ले? कोई बात नहीं, मान ली इसको पकड़ लिया हमने, ठीक है। तो क्या इस वाले मास को ये वाला मास अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर, और ये वाला मास भी अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर, और ये वाला मास भी अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर? तीन फोर्स दिखाई दे रहा है बालक हमें। मान ले हमने बोल दिया इसको दिस इज एफ वन एफ टू और दिस इज, क्या मैं बोलूंगा एफ वन एफ टू निकाल लेगा? एफ वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जी एम स्क्वायर अपॉन रूट टू आर का होल स्क्वायर, डेट इज एफ वन की वैल्यू जी एम स्क्वायर बाई टू आर स्क्वायर। क्या सही लिखा हूं बालक? तो अगर ये रूट टू आर है तो ये भी रूट टू आर है, तो क्या ये भी सेम आएगा? क्योंकि मास सेम, दूरी सेम, फोर्स सेम, तो क्या एफ टू की वैल्यू भी सेम आ जाएगा? डेट इज जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या एफ वन एफ टू एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? स्क्वायर बन गया अंदर में, क्या बन गया? तो क्या परपेंडिकुलर हो गए? तो एफ वन एफ टू का रिजल्टेंट कहां आएगा बालक? बीच में एफ थ्री की तरफ, किधर आएगा? अच्छा, और एफ थ्री भी निकाल सकते हैं, तो पहले निकाल लेते हैं एफ थ्री। तो एफ थ्री अगर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एम एम और दूरी हो जाएगी टू आर, क्योंकि आर और आर डायमीटर पे हो गए दोनों, यानी ये हो जाएगा बालक जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर का होल स्क्वायर, डेट इज जी एम स्क्वायर अपॉन, कौनो दिक्कत नहीं है भाई, गुठियाना नहीं है भाई, बताया जा रहा है तो गुठिया रहे हैं। अब एफ वन एफ टू परपेंडिकुलर हो गए, कैसे हो गए? तो ये जो एफ वन और एफ टू है दोनों है परपेंडिकुलर और दोनों की वैल्यू बराबर है बालक, क्या एफ एफ है? अरे है कि नहीं? एफ वन बराबर एफ टू है ना, देख एफ वन बराबर क्या है और बीच का एंगल, तो क्या रिजल्टेंट रूट टू एफ आ जाएगा? तो इसका रिजल्टेंट आ गया रूट टू एफ, कितना आ गया? यानी ये हो गया बालक रूट टू जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर का होल स्क्वायर, टू आर स्क्वायर कितना? यही हो गया। अब देख क्या एफ वन एफ टू का जो रिजल्टेंट आया, दिस इज एफ वन एफ टू, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आया, और क्या एफ थ्री भी इधर ही है? क्या दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया? तो क्या एफ थ्री और ये दोनों का रिजल्टेंट जुट जाएगा बालक? एफ वन एफ टू का जो रिजल्टेंट आया और एफ थ्री आया, दोनों क्या आया? सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएगा ना। तो अगर हम नेट फोर्स अगर हम लिखे इस मास में, जिसमें मैंने स्टार मारा हुआ है, तो क्या हम नेट फोर्स लिख सकते हैं? इसलिए नेट फोर्स की जो वैल्यू हो गई बालक, ये हो गया आपका रूट टू जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एफ थ्री, प्लस कितना? एफ थ्री, और एफ थ्री आ गया बालक हमारा, यानी नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी रूट टू जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस जी एम स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर। क्या जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं? अब ये घूम रहा है वाला, क्या कर रहा है? और हमसे स्पीड पूछा गया है, तो क्या हम सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं? अरे भैया ऐसे तो नहीं आ गया ना, यहाँ पे सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, और घूमेगा तो क्या एम बी स्क्वायर बाई आर सिक्वेट मार देंगे? क्योंकि देख अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इस पे अंदर की तरफ अगर नेट फोर्स इतना है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल भी तो लग रहा है। बाहर क्या लग रहा है? अंदर की तरफ नेट फोर्स दिस, और बाहर की तरफ क्या लग रहा है? एम बी स्क्वायर बाय, क्या इक्वेट मार देंगे? किसके बराबर? इसके बराबर, एंड गेट बालक क्या वी। तो हमने बोला कि अब हमने इक्वेट मार दिया कि देख भाई इस एम वाले पे इधर ये लग रहा है फोर्स, और इधर हो गया एम बी स्क्वायर बाय आर, और इधर क्या फोर्स लगेगा बालक? हमने जी एम स्क्वायर बाय फोर आर और टू आर स्क्वायर कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर बच जाएगा, हमने जी एम स्क्वायर बाय टू स्क्वायर कॉमन ले, रूट टू प्लस वन बाय टू, रूट टू प्लस वन बाय टू ना, अरे भैया यही होगा ना, तो कितना आ जाएगा? रूट टू प्लस वन बाय टू, कोई दिक्कत? क्या इक्वेट मार देंगे? इक्वेट मार देंगे तो क्या आ जाएगा बालक? जी एम स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर रूट टू प्लस वन बाय टू इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर। नीट के हिसाब से टफ हो गया, इतना टफ नहीं आएगा। एक एम से एक एम काट सकते हैं, एक एम से एक एम, तो भी की वैल्यू आ गई अंडर रूट कितना बालक? जी एम बाई रूट टू प्लस, दिस इज द आंसर, लिख ले, समझने के लिए बढ़िया था, लेकिन अप्लीकेशन हो गया ना इसमें सर्कुलर मोशन और ग्रेविटेशन का, सिंपल सी बात वाला, और वेक्टर भी आना चाहिए।
नहीं नहीं कुछ गलत होगा, यही आ जाएगा बालक। ठीक है, तो जी एम बाई 2 आर। क्या सही पीछे कर दूं? सही तो है, 1/4 नहीं होगा बे, वो 4 कॉमन निकाले थे बस। मनोहर लाल ला, आर्क एक ही बात है आंसर का, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेट फोर्स वही आया और जी एम भाई, हाँ 2 आर का होल स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा ना आखिर में, 4 आर स्क्वायर वही तो आया है। F3 जी एम स्क्वायर बाई 4 आर स्क्वायर, और F1 F2 का √2 जी एम स्क्वायर बाई 2 आर स्क्वायर आया है, 2√2 नहीं आएगा। नहीं ऐसे लिखना हो तो कट ही जाएगा ना भाई, आंसर सेम आएगा ना, की बात है। F1 F2 बराबर है, 2 नहीं आएगा, 2 कहाँ से आ गया ये? टू नहीं, नहीं √2 आर होगा। हाँ वैसे भी कर सकते हैं, की बात है, कैलकुलेशन देख लो। हो गया जल्दी लिख, लिखो तो फास्ट लिखो, ले ले जल्दी ले, आगे बढ़ते, आधा घंटा लगा देगा सब लिखने में। एक और है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला कुछ सवाल में, सवाल आसान है। फोटो लेता तो ग्रुप में डाल दिया कर, आधा लोग नहीं लिख पाते, मुझे भेज दिया कर, मैं डाल दूंगा, चाहे इसे भेज दिया कर डाल देगा। चलिए हो गया, चल ग्रुप में मिल जाएगा, फिर आगे बढ़ते। हो गया, क्योंकि डायग्राम बनाते वक्त लोग आधा घंटा लग जाएगा। आओ अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बालक, वो वेरिएशन थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सवाल है। आइए लिखिए, टू सॉलिड स्फीयर्स, देख मैक्सिमम लोग भी डायग्रामे बनाए थे, टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज, टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज ऑफ अ सर्टेन मेटल, बना हुआ है किसी मेटल से, टू सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम साइज ऑफ अ सर्टेन मेटल्स, सर्टेन मेटल, सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, फुल स्टॉप। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के पावर एन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन बराबर व्हाट। NVTQ जैसा सवाल हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, देन फाइंड एन इक्वल टू व्हाट। तो टू सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम साइज ऑफ ए सर्टेन मेटल आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ देयर, सॉरी मतलब आपको निकालना है कि रेडियस के पावर कितना आएगा। आंसर आ गया, हाउ प्रूव डेट का सवाल था, किसका था? तो हमने सवाल को चेंज कर दिया, बालक सवाल को क्या कर दिया, तो आंसर 4 आएगा, बहुत बढ़िया। तो उसमें था प्रूव डेट, मतलब प्रूव करना था कि आर के पावर क्या आएगा, 4। हमने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन बना दिया और एन के पावर पूछ लिया। चलिए जल्दी निकालिए,
जल्दी। स्टार मार लेना, सवाल थोड़ा सा अलग चेंज हो गया है। आया आइडेंटिकल है बालक और सेम साइज के, सेम साइज है ना, तो सेंटर सेंटर दूरी कितनी हो गई? 2R। कितनी हो गई? 2R, क्योंकि देख दिस इज आर एंड दिस इज आर, तो सेपरेशन कितना हो गया? 2R हो गया वाला, यही हो गया ना। अच्छा M1 M2 निकाल ले, M1 M2 वाला किस पर मास नहीं पुट करेंगे, डेंसिटी के फॉर्म में रखना पड़ेगा। इसके फॉर्म में डेंसिटी, तब वहां से आर रिलेशन में आएगा। किसका आएगा? तो देख डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन, यही होता है ना, तो मास इज इक्वल टू रो इन टू वी, यही हो जाएगा। तो मास की वैल्यू हो जाएगी रो इन टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही हो जाएगा ना पक्का। अलग अलग मटेरियल है, सेम है, रो वन और टू अलग भी ले सकते हैं, साइज भी सेम है, साइज भी क्या है? सेम है वाला, ठीक है। तो एम वन एम टू तो बराबर आएगा, क्या आएगा? यानी एम वन हमारा आ गया वाला, यानी मास आ गया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, तो क्या एम टू भी यही आएगा? बस अब पुट द वैल्यू, गेट द उत्तर। तो एफ बराबर क्या होता है? जी यहाँ पे हो जाएगा एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, तो हो जाएगा एफ की वैल्यू जी इंटू एम वन की जगह पे रो इंटू 4/3 पाई इंटू रो इंटू 4/3 अपॉन वाला 2R का होल स्क्वायर। हमें डिजिट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपन R पे चर्चा करेंगे, क्योंकि R के प्रोपोर्शनल में पूछा गया है। तो हमने बोला कि ये जो F हो गया वालक, ये प्रोपोर्शनल हो गया R के पावर 6, ऊपर में कितना आ जाएगा? आर क्यूब, बीच में 4³ इंटू आर क्यूब, ठीक है ना, जोड़ी देंगे ना उन लोगों, तो आर सिक्स हो जाएगा, आर के पावर 6, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर आर के पावर 4, इसलिए आंसर आ जाएगा 4। समझे कि नहीं? यही सवाल दिया हुआ था, उसमें लिखा था प्रूव दैट एफ प्रोपोर्शनल टू 4th पावर ऑफ R, अपन उसी को सवाल कर लिए। तो ये वाला 2 से 2 कटेगा, तो कितना बच जाएगा वाला? 4, यानी एफ प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4, इसलिए एन बराबर। तो हमें समझना ये है कि सवाल में मास ना देके डेंसिटी दे सकता है, बोल देगा कि स्फेरिकल बॉल दे दिया, इसकी रेडियस इतनी है, इसकी डेंसिटी इतनी है, बताइए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला काम तुम्हारा क्या रहेगा? मास निकालना, और वो कहाँ से निकालेंगे? रो इंटू वी करके, तो इसको लिख लेना कॉन्सेप्चुअल, है ना, नीचे लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार मार के सवाल के नीचे, ठीक है। और क्या रहेगा वाला? कि जब मास ना दिया रहे, स्फेरिकल बॉल दे देगा, मास नहीं देगा, क्या दे देगा? उसका रेडियस दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या मास निकाल लेंगे? निकाल लेंगे भाई, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से, है कि नहीं? तो निकाल लिया वहां से, एम इज इक्वल टू रो इंटू वी करके, और लगाना वही है एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, वही लगा दिया, बस खत्म हो गया। एन इक्वल टू 4, एन इक्वल टू, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया कि ऐसे भी कर सकता है, वो रेंगने की जरूरत उसमें, हाँ ये नहीं कि रेंग जाना। अब जैसा सवाल किए वैसा ही सवाल एक और है, जो एससी वर्मा का क्वेश्चन और 5 था, सिंपल सा सवाल है एक और, वो नीट लेवल पे ही है, जो सट से बन जाएगा। चलिए आई बात समझ में, ठीक है। चल तो हमें आर पूछा था, तो हमने बाकी चीज को इग्नोर मारा, खत्म हो गया सवाल हमारा, डेंसिटी दिया रहा तो वैल्यू पुट कर देते, कोई दिक्कत तो नहीं था ना इसमें? नहीं, छोड़ दे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो एफ प्रोपोर्शनल टू आर के पावर 4, इसीलिए आर एन इक्वल टू 4। अरे हो गया ना, आगे बढ़ो,
चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे फास्ट। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ इक्वल मास, ब्रैकेट में छोटा एम लिख लेना, टू पार्टिकल्स ईच ऑफ इक्वल मास मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, छोटा आर लिया है, छोटा मास लिया है, ठीक है भाई। तो बोला गया टू पार्टिकल्स ईच ऑफ इक्वल मास मूव अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, फुल स्टॉप। फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। बहुत बढ़िया सर्कुलर मोशन बताया गया सारी कहानी, और हमने उसमें लिखवाया था सवाल करने का तरीका, याद है कि जब भी लीनियर कहानी होती है तो काइनेमेटिक्स से सॉल्व करते हैं, और सर्कुलर होता है वाला तो हम लोग सेंट्रीफ्यूगल लगा के क्या कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। आपको बताया गया होगा चीज, खट वही सारी चीजें जैसे रॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 था, सेम सवाल है, बताइए वाला। स्पीड बताना, एकदम आसान सवाल, नीट का क्वेश्चन, एससीबी वाला तो ठीक है, जेई का था, लिंदी है, लेकिन एक लाल का सवाल है, करना वही है। फोर्स को कितना आ गया इसी का, जीएम बाई 4 आर, ठीक, 4 को बाहर कर दे रूट से। आ गया बस सिंपल, इन दोनों के जो बीच अट्रैक्शन हो रहा होगा वाला, वो ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी एक को पकड़ ले तो मान ले एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू हो जाएगी जी एम इंटू एम अपॉन कितना वाला, 2r का होल स्क्वायर, डायमीटर के बराबर हो गया ना, तो 2r का होल स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा ये, जी एम स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर, ठीक है। क्या बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा होगा, डेट इज एम बी स्क्वायर वाई आर, अरे लग रहा होगा ना भाई, अगर इसमें ऐसे घूम रहा है तो क्या बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल लगता है, क्या हम उसी बैठ जाते हैं और फिर हम फोर्सेस को क्या करते हैं, इक्वेट मार देते हैं, तो अंदर की तरफ फोर्स ये लग रहा है और बाहर की तरफ एम बी स्क्वायर बाई आर लग रहा है, और हमने वहां समझाया भी था कि सेंट्रीफ्यूगल एक फर्जी जैसा फोर्स है बालक, उसे समय आने पर कहीं भी कोई भी लगा देता है, और क्या सारे एग्जाम्पल बताए गए थे वहां पे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, जैसे नॉर्मल वाला कि कटोरा में घुमा दिए, जैसे धागा बांध के घुमा दिए तो टेंशन हो गया, जैसे न्यूक्लियस के चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या एंगल ऑफ बैंकिंग वाला, तो सारा इसलिए बताया गया था कि आपको याद रहे और रिलेट कर पाए चीजों को, समझ में आया। तो कुछ अलग तो नहीं है कि वही है बस खत्म कर दिए। अब यहां पे आ गया वाला जी एम स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई, क्या एक एम ने एक एम कूड़ा दिया, आइडेंटिकल मासेस है, और एक आर ने एक आर कूड़ा दिया बालक, तो ये आ गया जी एम बाई 4r इज इक्वल टू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू अंडर रूट जी एम बाई 4r, क्या 4 बाहर भी कर सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट जी एम बाई आर, आंसर, कोई दिक्कत, कैसा सवाल आएगा कर लोगे पक्का मान ले, ठीक है भाई, अच्छी बात, लिख लो। चलो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्यूशन का एक सवाल और करा देता है, थोड़ा बुद्धि लगाना है, आसानी से बन जाएगा, और उसके बाद तुम्हें इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद तुम्हें एक कैविटी वाला सवाल करा देता हूँ, और वेक्टर का एक सवाल करा दिया था, एक आध और दे देंगे या करा लेंगे, और उसके बाद चलेंगे अपन ग्रेविटेशनल फील्ड की तरफ, इधर चलेंगे
उसी को ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी बोलता है, और कई किताबों से आई से रिप्रेजेंट करता है, अपन नहीं करेंगे, अपन ई जी लिखेंगे, ठीक है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया करते हैं ना अपन आई से, तो इसमें रिस्क नहीं लेना है। चलिए हो गया, आइए अगला सवाल, बहुत सिंपल, इक्वेट मारना है बस फोर्स लिख के, ग्रेविटेशन और सर्कुलर का छोटा सा कॉन्सेप्ट, सिंपल सवाल, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, अगला सवाल ऐसा है कि स्क्वायर ले ले एक, ठीक है, और हर जगह बालक आइडेंटिकल मासेज रख दे इसके कॉर्नर पे, यानी सबकी मास कितनी बालक, एम एम वाला, कितना एम 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 ए और ए बालक, ए और ए, ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि ए बी सी डी ले लिया है, फाइंड नेट फोर्स ऑन मास एम प्लेस्ड एट सी, ठीक है भाई। तो मान ले हमने इसका नामांकन कर दिया, दिस इज ए बी सी डी, फाइंड नेट फोर्स ऑन मास एम प्लेस्ड एट पॉइंट सी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का सवाल है। सब सवाल इलेक्ट्रो में रिपीट होते हैं वाले, सिंपल, हमें बस देखना है फोर्स कितनी है और बस जोड़ देना है यार, और कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। और लास्ट क्लास में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ाया गया, उसे केसेस कराए गए, सटासट निकालो कर लो। चार्ज थोड़ी है, अट्रैक्ट होगा ना, मारेंगे इतना बाहर बाहर दिखाया है, अट्रैक्ट कर रहा है कि इधर इधर लगा दिया, इधर इधर इधर, आ गया कितना ईशिका, दिस इज एफ वन एफ टू रिजल्टेंट, और एफ थ्री में जोड़ देगी, सही जवाब। चलिए भाई, बाकी लोग बताएं, हो गया बन गया आदित्य, ठीक है, विवाह नहीं, क्या हुआ है, सर्दी हुआ है, नॉर्मल चीज़ है यार, गर्म पानी पियो ठीक हो जाएगा, बना इधर, पीछे टिकट 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 पीयूष नहीं है, डांस की प्रैक्टिस कर रहा होगा, है ना, बढ़िया है, नीट वीट तो देते रहेंगे, अरे एग्जाम उग्जाम क्या हो तो होते रहेगा, हरलाल देख, क्या अगर हम इस पे मान ले सी पे निकाल रहे हैं, स्टार मार दिया मतलब इस पे नेट फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक है, ये वाला क्या अट्रैक्ट कर रहा होगा इधर, और ये वाला इधर, और ये भी बालक लाइन पे, मान ले इसको हमने F1 बोल दिया, इसको F2 बोल दिया, और इसको अभी सवाल कराया था ना ऐसा कुछ, वही तो सवाल हो गया, क्या F1 F2 बराबर है बालक, F1 F2 क्या है, तो F1 बराबर F2 बराबर जी एम स्क्वायर, थोड़ा तेज हो गया, जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कौन दिक्कत, तो क्या F1 F2 का रिजल्टेंट आ जाएगा बीचों बीच, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, क्या थीटा 90 डिग्री है, और क्या फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम है, जब थीटा 90 डिग्री होता है और फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम होती है तो रिजल्टेंट कितना होता है, रूट टू एफ, क्या कल मैंने पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या उसे केसेस दिखाए थे, तो ऐसा नहीं मनोहर की तरह लगा रहे हैं, अंडर रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा, एकदम एक लाइन एक पन्ने में आ गया, फिर बोले देख क्या सवाल है मनोहर लाल, तो इन दोनों का नेट आ गया वालक रूट टू एफ, कितना आ गया, यानी आ गया रूट टू जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो फिर टाइम कैसे लगता है यार, देखो तो हवा में हो गया,
और क्या एफ थ्री भी इधर ही है, लेकिन इसकी सेपरेशन रूट टू ए आ जाएगा, क्योंकि अगर ये ए है ए भी ए है तो सेपरेशन कितना आ जाएगा, रूट टू ए वाला है कि नहीं। तो अगर मैंने एफ थ्री लिखा तो इसकी वैल्यू आ गई जी एम ए स्क्वायर अपॉन रूट टू ए का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा जी एम ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर। खुद से सॉल्व करते हो तो तुम जो समझते हो उसको लिखते जाओ, मैं लिखता हूँ बोर्ड पे ताकि सबको समझ में आए, तुम्हें इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, तुम सीधे लिखो जी एम ए स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर, तुम समझ गए कि रूट टू ए का होल स्क्वायर करेंगे टू ए स्क्वायर आएगा। तो अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो खुद से जो समझ में आ रहा है उसको सटासट करना है ना, मुझे क्या करना है समझाना है, तो मैं स्टेप वाइज लिखूंगा। लेकिन अगर तुम्हें पता होगा कि जी एम ए स्क्वायर अपॉन टू ए का होल स्क्वायर करेंगे तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिख देंगे सीधे, तो इतना टाइम थोड़ी लगेगा यार, हवा में हो गया ना तो, और दोनों को जोड़ देना है, तो फिर आधा घंटा से क्या कर रहे थे, क्या अब एफ थ्री और इन दोनों का रिजल्टेंट सेम हो गया, तो एफ नेट की वैल्यू जोड़ देंगे, एफ नेट की वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा रूट टू जी एम ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस कितना वाला, खत्म आंसर। आगे बढ़ाना है तो कॉमन ले ले जी एम ए स्क्वायर बाई क्या, तो कितना आ जाएगा, यही आ गया ना बस। तो इसको बनाने में एक मिनट से ज्यादा का सवाल नहीं था, खटाक खटाक सॉल्व करना है, तुम्हें कौन समझाना है भाई, इसके बीच निकाले रिजल्टेंट निकाले जोड़ दिए, खटाक आंसर आ गया। चलिए अगला सवाल करेंगे, टापने में एक मिनट ना लगाए, जल्दी टापे। तो ये भी हो गया, एस सी बी का तीन नंबर कर ही लिए थे, चार कर लिए थे, पांच कर लिए थे, ओरिजिन पर रख के सवाल करा दिया था, ठीक है, डेंसिटी के फॉर्म में करा दिया एक, मतलब चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो भी करा दिया, ठीक है भाई। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट हेडिंग डालेंगे, हाँ, बाकी इसमें बेसिक सवाल वो मैंने समझा दिया था लास्ट क्लास में, बोला था कि उस टाइप से नहीं कर रहे हैं कि मास को कर देंगे दुगना, रेडियस को कर देंगे आधा, तो बताओ कितना टाइम्स हो जाएगा, सब कर लेते हो ना, एक आध सवाल कर लेना, होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, हाँ आखिरी में, ठीक है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो भाई, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट पहले लिख ले। तो देख भाई, जिनको मैं इलेक्ट्रो पढ़ाया था ना, उनको धाया से याद आएगा कि हमने सवाल कराया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम का, और उसमें कराया था कब स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, कब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और एक दिया था सदाबहार फॉर्मूला जो किताब में नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं, और वो था बालक x इज इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्टार इंटू आर अपॉन अंडर रूट क्यू टू प्लस माइनस अंडर रूट क्यू वन। जो जानते होंगे वही जानते होंगे, बाकी लोग के लिए तो चमत्कार ही होगा ये, हाँ तो हम समझ सकते हैं। तो क्या तुम्हें पढ़ाया गया है, क्या तुम्हें पढ़ाया गया अच्छा ठीक है, क्या तुम्हें पढ़ाया गया है, बहुत मारेंगे, ट्वेल्थ में पढ़ाया था, हाँ तो फिर ठीक है। तो देख भाई, एक तरीका होता है जो एक पेज में ले जाता है, लेकिन अपन तो ऐसे भी स्मार्ट लोग हैं, करना ही नहीं वैसे, अपन तो वाले जो लेंदी जाता है उसे क्या करना है, बस ऐसा नहीं कि जो छोटा उसको खींच के फील करा दिए कि देख भाई देखे कितना बड़ा सवाल करा दिया मनोहर लालो तो देख होता क्या है, सिंपल है, इलेक्ट्रो में देख भी लोगे, वहां पे प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि जब लाइक चार्ज होता था तो क्या लगाते थे बालक, प्लस, और अनलाइक चार्ज में, यानी दो जब चार्ज होता था, जैसे प्लस प्लस मान ले या माइनस माइनस मान ले, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा, लाइक चार्ज में इक्विलिब्रियम कहाँ मिलता था, दोनों चार्ज के बीच में, बीचों बीच नहीं, दोनों चार्ज के, और अनलाइक चार्ज होता था तो साइड में, ये भी कराया गया, ठीक है, हाँ। तो पूरा ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे लिखा था, मैंने साथ पूरा सॉल्व करके लिखा था इसे, क्या लिखा था, लेकिन अभी लिखूंगा नहीं, अभी बस काम चलाना तुम्हें बस, ठीक है, तो कराया हुआ है। तो ठीक जैसे बालक, हाँ जैसे यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन बात किया था, किसमें बात हुआ था, इलेक्ट्रो के अंदर, वो हमें मिल जाता था कि ठीक है तीसरा ये पॉइंट होगा जहां पे इक्विलिब्रियम होगा, नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, जहां पे क्यू स्टार है वालक वहां पे हमें बस पुट कर देना है एम स्टार, क्या पुट कर देना है, एम स्टार इनटू आर अपॉन अंडर रूट एम टू प्लस, माइनस नहीं लगाना है यहां पे, रीजन समझते हो का है, क्योंकि मास कभी निगेटिव, मास अनलाइक नहीं होगा कि एक बार प्लस प्लस रहेगा और एक बार प्लस माइनस रहेगा, चार्ज हो सकता है क्योंकि चार्ज पॉजिटिव भी होता है, और तो लाइक का मतलब होता है या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों निगेटिव, लेकिन मास का मतलब
ओनली पॉजिटिव वाले, ओनली क्या, बस इसलिए तो बोला था ग्रेविटेशन में सिर्फ प्यार ही प्यार होता है, क्या होता है, हाँ भाई देख रहे हो ना, तो ये आ जाता है एम स्टार। अब एम स्टार को समझना है कि एम स्टार क्या था, एम स्टार था कि ये जो एक्स निकाल रहे हैं किस मास से, उसकी दूरी थी वाला, क्या थी, दूरी थी। तो ये कहानी होगी हमारी ग्रेविटेशन में, किसमें होगी, ठीक है बता भी दूंगा कैसे आता है, पहले इसको लिख ले, इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट, और आर है दोनों मास के बीच की सेपरेशन, तो अंडर रूट एम स्टार इंटू आर अपॉन एम टू प्लस अंडर रूट एम वन, बिकॉज मासेज आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है याद रखना। ये इलेक्ट्रो के लिए हो गया, ग्रेविटेशन के लिए हो गया, मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, इलेक्ट्रो में अलग कहानी होती है क्योंकि वहां पे चार्ज पे बात होती है, अलग चार्ज दो प्रकार का होता है, यहां से ऐसे हो जाता है, अंडर रूट एम स्टार इंटू आर अपॉन अंडर रूट एम टू प्लस अंडर रूट एम वन, फिर वहां पर लिख लेना वेयर एम स्टार क्या है और आर क्या है। चले बोलो, डायग्राम बना ले समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेंगे यहां पे क्या ले ले बालक एम वन, और यहां पे क्या ले ले एम टू, और बीच की दूरी क्या ले ले बालक आर, समझ गया ना। तो जैसे होता है कि किस पॉइंट पे, सवाल ऐसा आता है कि इन दोनों के किस पॉइंट पे हमें क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम मिलेगा, मतलब नेट फोर्स, अगर मान लो आप कोई पॉइंट मास रख दिए तो उस पे नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो हो सकता है ना, जैसे मान लें यहां पे तू रख दिया तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो इधर और इसको इधर खींचेगा, खींचेगा कि नहीं, तो इस पर अगर नेट फोर्स जीरो हो गया तो किस में हो जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, वही समझाना चाह रहे हैं, उसी का एक रिजल्ट है। देख किताब में कैसे किया रहता है, किताब में किया रहता है कि जैसे मान लें कि हमने यहाँ पे बोला कि तीसरा मास या कोई पॉइंट मास रख दिए तो इक्विलिब्रियम में है, इसमें वो यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख, तो हमने बोला कि इसका मास एम नॉट ले ले, क्या ले ले वालक, तो क्या ए वाला मास इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, मान ले एफ1 फोर्स लगाया तो क्या ए वाला मास इसको इधर इक्वेट करेगा, एफ2 फोर्स लगाया, यहाँ से आपने दूरी मान ले एक्स मान लिया तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, और क्या दोनों को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हमने भी वही किया है, हमने बस उसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाल लिया है, हमने क्या निकाल लिया उसका, इलेक्ट्रो अगर पढ़े होते ना तो बताता हूँ वहाँ पे, हमने इसी को सॉल्व किया था वाला, हमने क्या किया था, इसी को सॉल्व करके एक ऐसे स्टैंडर्ड रिजल्ट पे पहुंच गए थे, ताकि हमें हर बार ऐसे करने की जरूरत, हमने ऐसा नहीं कुछ अलग से इसको लाया है, नहीं भाई वही आया है। जैसे तुम लोग आर इक्विवेलेंट निकालते हो ना, वन बाई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, जैसे वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू करते हैं, तो क्या सिंपल तुम कर लेते हो आर इक्विवेलेंट बराबर आर वन इंटू आर टू अपन आर वन प्लस आर टू, क्या इसी को सॉल्व करके लाते हो, हमने भी इसी को सॉल्व करके लाया है, लेकिन हमने क्या कर दिया, पूरा प्रोसेस को खत्म कर दिया, और हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट पहुंच गए कि भाई वहां से हम ना हवा में कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, लेकिन आया वहीं से है बालक, आया, आई बात समझ में, हाँ तो आप ऐसे करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस टाइम ज्यादा लगेगा, वो अपन हवा में कर लेंगे उसको, कैसे कर लेंगे, बस। अब लिख ले एम स्टार का मतलब क्या है, इसको लिख लेना ऊपर में समझ में आएगा, लिख लो उसको। नहीं दिख रहा है क्या, आर माइनस सिक्स लिखा हूं, थोड़ा सा आर जैसा ही दिख रहा है, F1 बराबर F2 होगा तभी इक्विलिब्रियम में होगा, F1 बराबर F2 होगा तो देख डायरेक्शन अपोजिट है ना, और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, वही लिखा होगा कि दिस इज M1, यहाँ पे M0 ले लिए, F1 फोर्स लगा, M0 और M2 के बीच में F2 फोर्स लगा, F1 बराबर F2 हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, इक्विलिब्रियम में है, M1 से अगर M0 है x दूरी पे तो M2 से कितने हो जाएगा, R माइनस x दूरी पे, R माइनस x दूरी पे, बस यही कहानी है। लिखिए वेयर एम स्टार इक्वल टू, उस मास की वैल्यू जहां से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल रहे हैं, एम स्टार इक्वल टू उस मास की वैल्यू जहां से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाल रहे हैं, एम स्टार इक्वल टू उस मास की वैल्यू जहां से हम इक्विलिब्रियम पॉइंट
निकाल रहे हैं, ठीक है, एंड आर बराबर सेपरेशन बिटवीन टू मासेस, एंड आर बराबर सेपरेशन बिटवीन टू मासेस, छोटा आर जो लिखे थे, बड़ा आर लिखा गया तो फॉर्मूला में छोटा आर लिख, कंफ्यूज हो जाएगा, एंड आर बराबर सेपरेशन बिटवीन टू मासेस, और जो फॉर्मूला में आर है वाला, अब समझ में आ गया हर चीज, देख ये जो एम स्टार हमारा होगा ये क्या होगा वाला, वो मास जहां से हम सेपरेशन, अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहां पे सेपरेशन निकाल रहा हूं एम वन से तो यहां पे क्या लगाऊंगा अंडर रूट एम वन, अगर मान लें मैंने सेपरेशन निकाला एम टू से तो क्या लगाऊंगा अंडर रूट, आई बात समझ में, इन टू आर क्या होगा वाला, दोनों मास के बीच की सेपरेशन अपॉन अंडर रूट एम टू प्लस अंडर रूट, खत्म, हमेशा प्लस ही रहेगा किसके फॉर्मूले में, ग्रेविटेशन वाले में, कभी माइनस, क्योंकि मास हमेशा प्लस होता है, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार का नहीं होता, लिख लिए, आइए सवाल करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट था वाला, सवाल लिख, टू मासेज ऑफ मास 10 केजी एंड 1000 केडी, टू पार्टिकल लिख लेते हैं, टू पार्टिकल ऑफ मास 10 केजी एंड 1000 केजी वालक, 10 केजी एंड 1000 केजी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट, फुल स्टॉप, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम, एट विच पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो, यानी नेट फोर्स जीरो हो गया बालक, नेट फोर्स क्या हो गया, तो पॉइंट कैसा हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा ना, द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी जीरो। चलिए भाई बता दीजिए, डाटा देख के डरना नहीं है, ये नहीं कि रेंग के डाटा देख के, उससे प्रेशर कितना दिया था वाला 1 मीटर, ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया वाला, अगर इसका मैथ अच्छा होगा ना इस तरीके को, एक और हवा भी कर सकता है, हवा से भी हवा कर सकता है, कितना गया, अच्छा कर 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 कितना पूरम, कॉपी कब खत्म होगा, कब अगली बार 2000 पेज कर ले लोगी पूरा इलेक्ट्रो का, क्या इज द राइट आंसर, आ गया ना, कहाँ से बताना पड़ेगा भाई, हाँ ये बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दो आंसर होगा ना, या तो बोलेगा फ्रॉम बिगर मासेस और स्मॉलर मासेस, ऐसे बोल देगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट बताना है फ्रॉम द बिगर मास और स्मॉलर मास, लिख ले, सवाल में ऐसे भी हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से, तो आपने ऐसे लिखा होगा कि देख भाई यहाँ पे 10 केजी और यहाँ पे कितना 1000 केजी, फिर बीच की सेपरेशन 1 मीटर, तो बताओ कहाँ से निकाले वाला, 10 से कि 1000 से, 10 से, लेकिन मिलेगा वाला को 1000 के आसपास, क्या मिलेगा, हमने वहां लिखवाया था कि बिगर चार्ज के पास मिलता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है ज्यादा, वैसे जिसकी मास ज्यादा होगी बालक इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके पास में मिलता है, सब लाइन सब रिपीट होता है यार, इसीलिए तो मैं इलेक्ट्रो के बाद पढ़ा था, हवा में हो जाता है कैसे, तो देख हमने बोला कि यहां से मान लिया कि ए पॉइंट होगा लाइन ज्वाइनिंग पे, है कि नहीं, यहां पे अगर देखेंगे तो इक्विलिब्रियम में होगा, तो हमने लगा दिया बालक एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 10 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट कितना वाला 1000 प्लस अंडर रूट 10, यही कर दिया होगा ना, समझ में आ गया ना कि एम स्टार का मतलब क्या समझाना चाह रहे थे, एम स्टार का मतलब रूट के अंदर वही मास डालेंगे जहां से आप दूरी निकाल रहे हो, तो आपने 10 केजी से निकालना चाह तो 10 केजी डाल दिया, अगर मैं 1000 केजी से निकालना चाहता तो 1000 डालता, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं होती, तो ये हो जाएगा रूट 10 अपॉन 1000 को लिख सकते हैं 100 गुने 10, 10 रूट 10, 10 रूट
प्लस रूट टेन, नीचे में हो गया बालक 11 रूट टेन, कितना हो गया, क्या 1/11 आ गया बालक मीटर फ्रॉम 10 kg फ्रॉम। तो अगर मैं निकालूंगा 1000 kg से तो 1 - 1/11, एक तरीका तो ये भी है ना कि अगर मैं निकालना चाहूं, हाँ, और फ्रॉम कहां से बालक 1000 kg से, तो क्या कर दूंगा बालक r-6 r-, तो ये हो जाएगा 1 - 1/ यानी 10/, समझे कि नहीं। तुम अगर और करके ऐसे भी निकालते ना 1000 kg से, मतलब कोई बच्चा ऐसे निकालता है कि हम x की वैल्यू वहीं से निकाल रहे हैं सर, यहाँ से x निकाल रहे हैं, क्योंकि उसको पता था कि उसी के आसपास मिलेगा, क्योंकि जिसकी मास ज़्यादा होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके पास में होता है, लिख भी लेना एक लाइन खुद से, बोला तो इसको लिख लेना है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1000 गुने 1 अपॉन अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 1000, यही हो जाएगा ना। तो देख कितना आ जाएगा ये 10√10 अपॉन, नीचे कितना आ जाएगा 11√10, यही आ जाएगा ना, क्या 10/11 आ गया, आया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है वाले। जिसकी मास ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके पास में मिलेगा, जिसकी मास ज़्यादा होगी इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके पास में मिलेगा। तो अगर मान ले मैंने बोला, देख हवा में कैसे कर सकता था, बढ़िया बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें, अरे हवा बन जा रहा है ना क्या। अबे मनोहर लाल 1000 को अपन लिख सकते हैं 100 × 10 100 ×, तो 100 से 10 बाहर आ जाएगा ना भाई, 10√10 आ जाएगा ना, तो 10√10 ऊपर में हो गया और नीचे में 10√10 और √10 11√10 कट गया 10/11, जोड़ घटाव मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ठीक है, आई बात समझ में। देख बाकी तू अगर करता तो कैसे करता वाला, किताबी तरीके से करता तो क्या तू करता, 10 × m0 चाहे जो मास दिया रहता अपॉन x², फिर तू करता वाला g, फिर करता g × m0 × 1000 अपॉन 1 - x² फिर क्या सॉल्व करता पूरा, हो सकता है आसानी से भी बन जाए, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आसानी से नहीं बनेगा, डाटा इधर उधर दे दिया तो हालत खराब हो जाएगी, एक पन्ने में जाएगा, कितने में जाएगा, क्या मतलब का भाई, बाकी आपकी मर्जी, आपको अगर ऐसा अच्छा लगे तो आप ऐसे बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो चाहते हैं कि बस आंसर आ जाए, तुम्हें अगर वैसे आंसर लाना है एक पन्ने में तो लाओ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। चलिए हो गया, अरे हुआ नहीं हुआ, ठीक है, देख बड़े अच्छा, हवा में कैसे कर सकते तुम, इसको एक मान लेते, इसको 100 मान लेते, अगर 10 kg को हम एक ले लें तो 1000 kg हमारे लिए क्या हो जाएगा, समझेगे नहीं, फिर हवा में हो जाता ना, नहीं हो जाता, तो फिर 1 × 1 / 100 × 1, तो 1/11, समझे कि नहीं, नहीं आ जाता 1/11, बस तो एक ही बात है ना, बस तो ऐसा सोचना भी है, ऐसा नहीं कि जितना मास्टर बोल दिया उतना ही सोचना है, एकदम लिमिट लगा दिए, खुद से जो सोच सकते हैं सोचो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछो, आओ अगला सवाल करें, बाकी सवाल सब इलेक्ट्रॉन भी दिखेगा, सेम कहानी। टू बॉडीज ए एंड बी, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 1 kg एंड 16 kg रिस्पेक्टिवली, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ मासेस 1 kg एंड 16 kg रिस्पेक्टिवली, इज्जत के साथ बालक, क्रमानुसार होता है क्या, ओके 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 ठीक है, क्रमानुसार रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड 1 meter अपार्ट, आर प्लेस्ड 1 meter अपार्ट, फुल स्टॉप। अ थर्ड बॉडी सी, अ थर्ड बॉडी सी ऑफ मास 3 kg, अ थर्ड बॉडी सी ऑफ मास 3 kg इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन ए एंड बी, अ थर्ड बॉडी सी ऑफ मास 3 kg is placed on the line joining between A and B. Full stop.
एट व्हाट डिस्टेंस At what distance from A should C be placed? At what distance from A should C be placed so that it experiences no gravitational force? No. इट एक्सपीरियंसेस नो ग्रेविटेशनल फोर्स. सवाल देख रहे हो, चार लाइन का है और आंसर इज द राइट आंसर. बहुत बढ़िया विवाह, गुड. आ गया इसका खत्म. तो सवाल भले चार लाइन का है लेकिन हमने तुम्हें दे दिया है ब्रह्मास्त्र, चला दे वाले. और आज कुछ मुंडी नया नया दिख रहा है, मतलब जो कल नहीं थे. जब भी चैप्टर शुरू होता है पहला क्लास वेरी 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 जबरदस्त इंपॉर्टेंट. दो तीन क्लास के बाद तो आसमान की ऊंचाइयों में रहते हैं, ऊंचा, बहुत ही ऊंचा. तो जिया क्यों देख रही हो? मैं नहीं देख रहा हूं, तो ऐसा कुछ नहीं है. तुम लोग नहीं याद है क्या? ओके. कितना आंसर आ गया बालक? सिंपल है ना? तो देख क्या बोला गया था. दिस इज ए, दिस इज बी. एक कितने का था बालक? और एक, ठीक है. लाइन ज्वाइनिंग हो गया. सी का मास कितना है? 3 kg है. बोला है कहां पे रखा है? इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग के बीच में. किससे पूछा है? ए से. तो मान ले ए से एक्स पे रख दिए. ए से कहां रख दिए? तो बस एक्स की वैल्यू अंडर रूट एम ए इंटू आर अपॉन अंडर रूट क्या वालक, एम ए प्लस एम बी लिख चाहे एम बी प्लस एम ए लिख, एक ही बात है. अरे है कि नहीं? एम बी प्लस एम ए लिख चाहे एम ए प्लस, तो 1 × r कितना वालक? 1/√16 + √1 यानी 1/5 meter. आ गया ना भाई? चमत्कार तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो में होता है, यहां नहीं होता है. जब चार्ज अलग दोगे ना तो बच्चा ऐसे ही लगा लेता है. जैसे तुम बोल दिए कि एक -1 coulomb का है, एक 16 coulomb का है, यहां से पूछना है तो -1 × r कर लेता है वो. रूट के अंदर कभी निगेटिव, लहराते हुए आयोटा आ जाता है वाले. समझे नहीं? इमेजिनरी नंबर क्या जाता है? तो रूट के अंदर कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना. तो यहां तो नहीं होगा. रूट के अंदर जहां निगेटिव गया लहराते हुए क्या आ जाएगा? आयोटा. कर लेगा सवाल ऐसा? क्या कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? पक्का? कौन दिक्कत? अरे कौन दिक्कत? चल भाई एक और कर ले मन की तसल्ली के लिए. और उसके बाद अपन एक कैविटी वाला भी करा दे रहा हूं. कैविटी वाला सबसे पहले कहां कराए थे? सेंटर ऑफ मास में. फिर कहां कराए थे? और फिर कहां कराएंगे? अरे वाह भाई, तीसरी बार. फिर कहां कराएंगे? इलेक्ट्रो में. फिर कहां कराएंगे? मैग्नेटिज्म में. आग लगा देंगे कैविटी में एकदम. समझे कि नहीं? देख अपना कैविटी चेक कर रहा है अब है जीप से. तो मैंने बोला भाई अच्छा कैविटी वाला था ना. अरे ठीक है, दिमाग में कुछ चल रहा होगा. अब छोड़ना क्या चल रहा है. दिमाग में क्रिकेट चल रहा है क्या सर? कैविटी वाला सवाल. क्या वाला? लिख तो नहीं लिए तुम लोग? ओके. बोली भाई इसका बोली वो. ठीक ठीक. कैविटी वाला सवाल. अब अगला मैच 12 को है. बहुत है यार. अब तो कोहली उस दिन 50, लेकिन खेलेगा नहीं उस दिन शायद. खेलना चाहिए. हाँ दिवाली के दिन है, खेलना चाहिए. और 50 आप मारना चाहिए. कैविटी वाला सवाल इन ग्रेविटेशन. आओ सवाल लिख.
एक सवाल बढ़िया होता है, लेकिन हमने इसको टफ लगने दिया वाला, सेंटर ऑफ मास को टफ लगा था क्या? यस सर बोलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में टफ लगा था क्या? नहीं भाई। तो यहां भी टफ, इसे बोले लग लगा। देख मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत आराम से उसको चार स्टेप में कराए थे, और देख नीट क्या कर सकता है वाला, कुछ ही पूछ सकता है उसमें से। जैसे मान ले कि नीट पूरा नहीं पूछा, तुमसे क्या पूछ दिया, कटआउट पोर्शन का मास, वो तो हो गया लालूलाल सवाल, पूछ सकता है ना। तो क्या निकाले थे, सिग्मा बराबर डीएम बराबर सिग्मा डीए करके, या पूछ सकता था कटआउट पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने एक्सिस के अबाउट, ये पूछ सकता है। तो इसलिए उसको उन्होंने पार्ट करके पढ़ाया था, क्या करके, कोई दिक्कत उसमें? ऐसे भी आसान था यार, टफ तो नहीं लगा था ना, टाइम लगता है बस, टफ नहीं लगता, ये भी आसान है। लिखिए सवाल, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कैपिटल आर लिखना वालक, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम, कैपिटल आर कैपिटल एम, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस आर एंड मास एम एग्जर्ट्स अ फोर्स एफ, एग्जर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन अ बॉडी ऑफ मास छोटा एम बालक। A uniform sphere of radius r and mass m exert a force F, capital F लिख लेना, on a body of mass small m, उसमें s m डबल ऑल लिखने की जरूरत नहीं, छोटा m लिख देंगे ऐसे। placed at a point p at a distance 2r, from the center of the sphere, placed at a point P at a distance 2r from the center of the sphere, full stop. If a spherical cavity of radius r by 2, if a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere as shown. If a spherical cavity of radius r by 2 is made in the sphere as shown. Full stop. The force of attraction exerted by the sphere with cavity in it, on the same body placed at the same point will be, cavity on it on the same body placed at same point P will be exerted by the sphere with cavity in it on the same body placed at same point P will be, और चार ऑप्शन दिया हुआ है एफ के टर्म्स में, 3f/5, 5f/7, 7f/9, 8 डायग्राम है वाला। चल भाई, तो ये सवाल है बालक, बिल्कुल टफ नहीं लगेगा, हमने ये वादा किया है बालक, और जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। इस गाना किसने गाया बालक? विराट कोहली ने। अरे।
तुमको नहीं पता? बताओ, तू इतना रील देखता है क्रिकेट का, भी छूट गया तुमसे। 2016 में गया था, सुन लेना कभी। चलो गया। तो सवाल ऐसा है वाला कि पहले एक यूनिफॉर्म स्फीयर है जिसकी मास सेम है, रेडियस आर है, तो उस पी पॉइंट पे जो रखा हुआ है, रंगीन कर देना अंदर में, तीन चार ऐसे स्टार वो मार देना लाइन। तो पहले जो भाई कंप्लीट था वालक, तो उस पर कितना फोर्स लगा रहा था, एफ कितना लगा रहा था। अब उसमें से अगर कैविटी कर दिए वालक, निकाल दिए, ये जो हमने बनाया है दिस इज कैविटी, तो इतना अगर कट हो गया, अगर इतना पोर्शन काट लिया गया, तो बचे हुए स्फीयर के कारण उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा बालक, ये हमारा सवाल है। यस, डायमीटर लिखा हूं मनोहर लाल, आर पूरा डायमीटर है ना, यहां से वहां तक। ठीक है, देख सबसे पहले क्या करना है तुम्हें, इसे ट्राई कर सकते हो, सवाल से कराया हूं ना, ट्राई कर करना चाहो तो। चलो ट्राई कर सकते हो, आसान है। तो कुछ बच्चे ट्राई कर रहे हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई पहली बार नहीं है हमारे लिए, तीसरी बार है। कैविटी का सवाल हम तीसरी बार देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद ग्रेविटेशन में, और इलेक्ट्रो में देखेंगे चौथी बार, और मैग्नेटिज्म में देखेंगे पांचवी बार। तब तक तो हम इसके पक्के खिलाड़ी हो जाएंगे। तो घर कब जाना है? 9 को तो पार्टी है। नहीं, कलिंग उत्कल बाय रोड ज्यादा लग जाता होगा, 10 घंटा। तो 10 को जाओ। अच्छा प्लान बन चुका है। अच्छा 10 को क्या है, कुछ है शायद, धनतेरस है। चलिए भाई, आया आ गया। कितना? इतना बड़ा पानी का बोतल दे दिए तुमको घर वाले। निकलो 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 निकलो,
मिले तो पहले अपॉन हो जाएगा 18 R² कितना हो जाएगा, क्योंकि ऊपर चला गया 4 और नीचे हो गया 72, तो 4 72 कितने बार में कट गया, 18 बार में, यानी GMM/8 R², ये किसके कारण फोर्स आया अलग, इस एम पे आया कैविटी के कारण फोर्स, दिस इज कैविटी, दिस इज कैविटी। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरे माइनस, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, अब लिख लेंगे बालक। तो अब हमने लिखा यहां से फोर्स ऑन क्या वालक, एम ड्यू टू रिमेनिंग, ड्यू टू क्या वालक, रिमेनिंग पोर्शन ऑफ अ स्फीयर। तो क्या वालक, हम यहां से नेट फोर्स कर दिए और ये आ जाएगा पूरे माइनस कैविटी। पूरे कारण कितना फोर्स लगा था बताओ, GM/, तो ये हो गया जी एम एम अपॉन माइनस जी एम एम अपॉन, यही हो गया ना, क्या कॉमन निकाल लिए होगे बालक, क्या जी एम एम अपॉन R² कॉमन निकाल लिए, तो क्या 1 1 अपॉन 4 - 1/18, यही आ गया ना, 18 4 कैल्सियम कितना 72, 36। तो 36 अगर लिए होगे तो ये आ जाएगा बालक 9 - 2, ये आ जाएगा ना, यानी 7, 7 GM/36 R², 36। क्या इसको और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जी एम एम अपॉन R² इंटू 7 अपॉन इंटू कर दे बालक 4 × 9, 4 × और क्या 4, एफ की वैल्यू थी, दिस इज 7F/9। अरे भैया GMM/4 R² किसकी वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, तो 7F/9 आ गया। तो देख एडवांस लेवल हो गया ना सवाल, है तो क्या बहुत टफ था, क्या बहुत टफ था, टाइम लग सकता है वे, कॉन्सेप्ट अलग थोड़ी हो जाएगा कि उनके लिए कुछ E=MC² पढ़ाना पड़ता है। मनोहर लाल आपको प्रॉपर दिया गया सारी चीजें, कर सकते हैं कोई भी सवाल, कोई दिक्कत, बस एक सवाल कर ले। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी था ना, सी इज द राइट ऑप्शन। अब बालक छोड़ दे 2 पेज। अच्छा एक सवाल और लिख ले सेशन इंजन का, देखिए इसी में खत्म हो गया, आज स्टार्ट करना था यार, आज अगर नहीं तो मैं क्लास नहीं होगी ना, तो अपन क्लास आगे बढ़ाएंगे ठीक है, तो कोई घर नहीं जाएगा। 12:30 बजे अगर मैम की क्लास आज नहीं हुई तो फिर से ग्रेविटेशन की क्लास होगी, ये बात याद रहे, और उसमें ग्रेविटेशन फील्ड खत्म करेंगे, सुनाई दिया। तो जैसी क्लास नहीं होगी बता देना है, क्लास होगी फिजिक्स की होगी, किसकी होगी, चल लिख लिया यहां तक।
तो पूरे कारण जो फोर्स निकाले और कैविटी कारण निकाल दिए, पूरे में से कैविटी घटा दिए, आंसर आ गया। एक सवाल लिखा सरसन रीजन का, सोचना उस पर, बढ़िया सवाल है, होमवर्क रहेगा। फोर्स खत्म करेंगे, बाकी सवाल मॉड्यूल लेके आना आज क्लास खत्म होने के बाद, टिक कर दूंगा, ठीक है, भेज भी दूंगा फोर्स वाले सवाल, बहुत कम दिए रहते हैं, इतने वेरिएशन देते नहीं, लेकिन ठीक है। हाँ तो फील्ड आज हो जाएगा तो खत्म कर लेंगे, तो कल उसमें आ जाएंगे, मतलब आधा खत्म हो जाएगा कल तक अपना ग्रेविटेशन, उसके बाद आएंगे तो 2 दिन में 3 दिन में खत्म कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद फ्लूइड जल्दी खत्म हो जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, तो फ्लूइड भी अपन खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो बचेगा बालक जो हमारा प्लान है ना हम लोग को 1 दिसंबर वाला, उसमें थर्मो का भी एकाधपाठ पढ़ा लूंगा, बचेगा अपना थर्मो का एकाधपाठ, और क्या बच जाएगा SHM वेव, उसको अपन बाद में कर लेंगे संडे संडे करके, ठीक है, लेकिन 12th स्टार्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो 11th में 2 चैप्टर पीछे रहेंगे हम लोग, मुश्किल से कर लेंगे उसे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 12th स्टार्ट कर लेंगे। हो गया यहाँ तक, ठीक है, लिखो बालक असर्शन में, असर्शन रीजन सवाल में लिख ले, स्टेटमेंट 1 लिखो, स्टेटमेंट 1, एन एस्ट्रोनॉट, स्पेलिंग बताऊं क्या, ASTRONAUT, मेरी अंग्रेजी है भरोसा कम ही करना, एन एस्ट्रोनॉट इनसाइड अ मैसिव स्पेसशिप ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, an astronaut inside a massive spaceship orbiting around the earth will experience a finite but a small gravitational force, experience of finite but a small gravitational force, full stop. An astronaut inside a massive spaceship orbiting around the earth will experience a finite but a small gravitational force, full stop. Statement 2, S2, the centripetal force, statement 2 mein likhe agle line pe, line chhod ke, statement 2, the centripetal force necessary to keep the spaceship, the centripetal force necessary to keep the spaceship in orbit around the earth is provided by the gravitational force between the Earth and the spaceship. क्या आपको सर्कुलर आता है, ग्रेविटेशन भी आता है, खत्म, आसान सवाल है ना, पहला ऑप्शन लिख ले, S1 and S2 both are true. दूसरा वालक ऐसे लिख ले TF, समझ गया होगा, ट्रू फॉल्स, सीक्वेंस में रहेगा, मतलब S1 ट्रू है, S2 फॉल्स है, ट्रू फॉल्स, S1 ट्रू, S2 फॉल्स, लिख ले S1 ट्रू, S2 फॉल्स। तीसरा S1 फॉल्स, S2 ट्रू, चौथा वालक नन, चौथा नन, ठीक है, उसके बाद छोड़ दे एक दो पन्ना और हेडिंग डाल ग्रेविटेशनल फील्ड, एक दो पन्ना छोड़ दे और हेडिंग डाल वालक ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड,
एक लाइन लिखो बालक। लिखिए, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मास, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मास और एन असेंबली ऑफ मासेस, असेंबली मतलब सारा ढेर सारा, द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मास और एन असेंबली ऑफ मासेस विदिन विच इट कैन एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अदर मासेस। द ग्रेविटेशनल फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मास और एन असेंबली ऑफ मासेस विद इन विच इट कैन एक्सर्ट within which it can exert gravitational force on other masses. यानी अगर कोई बालक बॉडी है, ठीक है, तो इसने अपने आजू बाजू में ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस कर रखा है। क्या कर रखा है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आजू बाजू में से ग्रेविटेशनल फील्ड है बालक। आजू बाजू में क्या है? हाँ, आजू बाजू में ग्रेविटेशनल फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसका मतलब ये नहीं, इधर है, इधर भी है, इधर भी है, ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते हो। तो इसके हाँ आसपास में आजू बाजू में क्या है, और वहां पे अगर तुमने कोई पॉइंट मास रखा तो इस पर फोर्स लगाता है। तो अगर इलेक्ट्रो किए होते तो अपन हवा में कर लेते ऐसे, कि जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की बेसिक डेफिनेशन याद है तुम्हें? बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बेसिक एकदम हल्का, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज, जस्ट लाइक वाला फोर्स ऑन टेस्ट मास अपॉन। और हमने वहां पर लिखवाया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, वो सिंगल चार्ज प्रॉपर्टी होती है। क्या लिखवाया गया था? क्योंकि एक मास तो कट जाएगा। अब यहां भी वैसे ही हो जाएगा कि फोर्स ऑन दिस मास अपॉन दिस मास, तो ये वाला मास तो कट जाएगा ना, नहीं समझे? अरे भैया, अगर मान लें कि इसकी मास कोई बॉडी है भाई भारी सी, इसकी मास सेम है, इतनी है, बीच की दूरी आर ले ले, तो इसे फोर्स लगेगा ना जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, अपॉन एम करेगा तो एम कट जाएगा ना, जी एम बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। वही पॉइंट मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है। वही बोल रहा हूँ कि जस्ट रिलेटेबल है वाला, जैसे वहाँ पे टेस्ट चार्ज पर यूनिट, सॉरी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज होता था, वैसे ही फोर्स ऑन यूनिट मास अपॉन क्या यूनिट मास कहानी हो जाएगी। खैर, उसकी बात अभी बाद में करेंगे। अपन अपन ऐसे बात किया कि अगर कोई ये मास है तो इसने आजू बाजू में अपना क्या क्रिएट कर रखा हुआ अलग, इलाका। तो वहां पढ़ाया गया था इलाका, क्या पढ़ाया गया था? और वहां बोला गया था अलग, इलाका किसी का हो धमाका, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो वहां बोला गया था कि देख भाई, कि इसने इसका कुछ ग्रेविटेशन फील्ड हो गया या इंटेंसिटी हो गया, तो उसमें अगर कोई मास रहेगा तो उस पर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? उस फोर्स क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, तो पहले डायग्राम बनाओ, फिर एक लाइन लिख। ये मास है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, ये वाला बड़ा वाला सिस्टम मासेस अट्रैक्ट कर रही होगी, सिस्टम ऑफ मासेस अट्रैक्ट कर रही होगी, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वाला। एम नॉट ले लेना, जी फोर ग्रेविटेशन लगाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वाला। सिस्टम ऑफ मासेस अपने आजू बाजू में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट किया होगा। सिस्टम ऑफ मासेस अपने आजू बाजू में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रखा है। सिस्टम ऑफ मासेस अपने आजू बाजू में ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर रखा है।
और जैसे बताया गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज आएगा तो उस पर क्या रहेगा, वालक फोर्स लगेगा, लगता था ना, उसी प्रकार यहाँ भी है। ग्रेविटेशन फील्ड में अगर कोई मास आएगा तो उस पर क्या लगेगा, और वो कौन सा फोर्स कहलाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो जी से एकदम डरना नहीं है कि वो जी फोर ग्रेविटेशन लिखा हुआ है, जी फोर, ठीक है भाई। फिर लिखिए एक लाइन कि जैसे फोर्स ऑन डिस्चार्ज अपॉन डिस्चार्ज होता है, सिमिलरली यहाँ भी होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी लिख ले और डैश देते छोटा सा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। इसका मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड की मैग्नीट्यूड वैल्यू वाला, उसकी उसकी क्या, हाँ एनएल के मॉड्यूल में उसको आई से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अपन नहीं करेंगे, ठीक है, अपन उसको ईजी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ई के साथ जी लगा देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे उसे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिख ले वाला, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, एस आई टी वाई होता है ना, देख लेना, सी आई टी आई, सही लिखाओ। अपन इसको लिखेंगे बालक इस प्रकार से, वेक्टर होता है, कई किताब में इसको ऐसे भी लिखा रहेगा आई से, लेकिन अपन नहीं लिखेंगे, ठीक है, अपन नहीं लिखेंगे बालक वैसे, ठीक है, अपन किसे लिखेंगे, इजी 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 इजी, कपड़ा धोने वाला नहीं, ठीक है, लिख ले एक लाइन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन टेस्ट मास placed at dead point per unit test mass, gravitational force exerted on test mass placed at dead point per unit test mass, yani ho jayega gravitational force on test mass upon test mass, पढ़ लोगे इसको, क्या लिखाऊं, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अपॉन टेस्ट मास, तो इसको अपन लिखेंगे वही इजी इक्वल टू एफ जी अपॉन एम नॉट, एम नॉट हमारा टेस्ट मास है वाला, एम नॉट हमारा क्या है, एक छोटा सा टेस्ट मास। अच्छा एक और खास बात याद रखें, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना वैसे ही, अगर सिस्टम ऑफ मासेस है तो उसकी मास बहुत ज्यादा होगी टेस्ट मास के कंपेयर में, समझ गया ना, सिस्टम ऑफ मासेस अगर इसको माने हैं कि अपने आसपास में इलाका के लिए क्रिएट कर रहा है तो ये भी तो कर रहा होगा, लेकिन इसकी मासेस जो होगी बहुत ज्यादा है इसके कंपेयर में, समझ गया ना, तो इसके इलाका है वाले और इसके अंदर आ रहा है, उसको थापे थाप मारेगा, मारेगा ना, लिखो एक लाइन, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और डायरेक्शन देख ही रहे हो किधर होगा, इधर फोर्स का होगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अगला लिखें, डायरेक्शन इज सेम एज, डायरेक्शन इज सेम एज that of gravitational force, direction is same as that of gravitational force, direction is same as that of gravitational force, मतलब जिधर gravitational force की direction होगी उधर ही gravitational field intensity की direction होगी, लिख लेना, जिधर gravitational force की direction होगी उधर ही gravitational field intensity की direction होगी, लेकिन इलेक्ट्रो में ऐसा नहीं था बात, ठीक है, हो गया जिधर
क्या लिखे? ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही, इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। इजी वेक्टर लगा देना, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब लिख लें इसकी एस यूनिट और डायमेंशन जल्दी से। अगर हम इसकी एस यूनिट लिखें वाले, क्या लिखें? एस यूनिट कैसे लिखेंगे वाले? क्या फोर्स है? फोर्स अपॉन मास है, तो न्यूटन अपॉन केजी, यही है ना, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर केजी वाला। न्यूटन पर केजी कितना आ गया? न्यूटन पर, और भी लिख सकते हैं इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिख ले, बहुत बढ़िया चीज बताएंगे। क्योंकि अगर अपन नीचे लिखे न्यूटन को लिखे तो लिख सकते हैं केजी मास इनटू एक्सेलेरेशन, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन केजी था ना यार, अपॉन क्या था? केजी, केजी ने केजी को, तो कितना आ गया वाला मीटर पर। जैसे ही हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म होगा ना, वहीं से शुरू होगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बहुत एक सेम होता है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ही हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू, नहीं समझे क्या? समझ आ जाएगा बहुत जल्द, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, यहाँ से आ सकता है समझ। एफ बराबर एम ए कर देंगे, क्या कर देंगे? सेम आएगा क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसी लिखने लिखा, बाद में यहीं से आगे बढ़ेंगे वाले, और करके लिख देंगे, छोड़ दे भी रहने दे, हैंग हो जाओगे, नहीं समझ आएगा। डायमेंशन एल टी माइनस टू, समझ में आ गया ना, सीधे हवा में। अगर अपन डायमेंशन लिखेंगे वही न्यूटन का एम एल टी माइनस टू अपॉन एम एल टी माइनस टू, तो वहां से दिख रहा है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, हो गया यूनिट लिख लिए, डायमेंशन लिख लिए, ठीक है। फिर लिख लिया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, थोड़ा सेटिंग डाल दे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट मास, पॉइंट मास के कारण वाला, इसके कारण पॉइंट मास के कारण, समझ गए? सिंपल है यार, कोई दिक्कत नहीं है, देख पॉइंट मास लिया और यहां से बालक आर दूरी पे एक छोटा सा क्या ले लिया, टेस्ट मास, कैसा? और वही लगा दिया फॉर्मूला, फोर्स ऑन टेस्ट मास अपॉन टेस्ट मास, समझ गए ना? तो देख हमने लगाया कि इजी की जो मैग्नीट्यूड अगर हमने निकाला तो लगाया वालक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट मास अपॉन क्या वालक, अपॉन टेस्ट मास, तो बताओ कितना आ जाएगा? क्या जी एम एम नॉट बाय आर स्क्वायर अपॉन एम नॉट, एम नॉट एम नॉट को उड़ा दिया और यहां से आगे उसकी मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू आगे जी एम बाय, अब क्या आपने इलेक्ट्रो पढ़ रखा है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज भी के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था? वही तो लिखा है यार, के क्यू बाई आर स्क्वायर होता था ना, वही लिखा हुआ है, जी एम बाई आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। और हमने वहां पे इसलिए बोला था कि सिंगल चार्ज प्रॉपर्टी होती है, वैसे यहाँ सिंगल मास है, एक मास की कहानी, एक कट गया ना तो वही हो गया, तो जी एम बाई आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गया बालक, ये क्या हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जी एम बाई आर स्क्वायर, वेयर मास लिख लेना क्या है, वेयर वेयर मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, बोलूं वेयर
एम बराबर मास ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू विच, वेयर एम इक्वल टू मास ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू विच, मास ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू विच इंटेंसिटी इज टू बी फाइंड आउट या फाउंड. मास ऑफ द पार्टिकल ड्यू टू विच इंटेंसिटी इज टू बी फाउंड. इसी कारण निकाले हैं ना, ये जो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण आया है, इसी मास के कारण आया है, वही वाला मास, वही वाला. आई बात समझ में? अब डायरेक्शन अगर देखेंगे तो रेडियली इनवर्ड्स होगा. डायरेक्शन लिख ले, डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली इनवर्ड्स. डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली इनवर्ड्स. डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली इनवर्ड्स. अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या कर देंगे वाला, किसको, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन माइनस आर कैप से. किससे वाला, क्योंकि माइनस साइन वही क्या दिखाएगा, रेडियली इनवर्ड्स वाली ना. तो अपन अगर इसको लिखेंगे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में तो ये कहानी आ जाएगी बालक. लिख ले इन यूनिट वेक्टर, सॉरी इन वेक्टर फॉर्म, इन क्या बालक, इन इन वेक्टर फॉर्म ये आ जाएगा, इजी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर माइनस आर कैप. या हम इसको लिख सकते हैं इजी इज इक्वल टू माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू क्या वालक, आर कैप. और आर कैप तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं वालक, तो माइनस जी एम आर वेक्टर अपॉन का क्यूब, यही हो जाएगा ना. माइनस समझ रहे हो ना, हमेशा इंट्रैक्शन होगा वाला, रेडियली अंदर की तरफ हमेशा क्या होगा, फोर्स के बीच में इंट्रैक्शन होता है ना, और फोर्स की डायरेक्शन जो होती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इंट्रैक्शन बिटवीन मासेस, इंट्रैक्शन लिख लेना. यानी नेगेटिव इसीलिए होगा हमेशा, अगर वेक्टर में लिखेंगे तो हमेशा नेगेटिव लगाएंगे. क्या लगाएंगे, क्योंकि बालक दो मास के बीच में हमेशा इंट्रैक्शन ही होगा. क्या होगा, तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इंट्रैक्शन बिटवीन मासेस, लिख लेना. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इंट्रैक्शन बिटवीन मासेस वालक, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इंट्रैक्शन बिटवीन मासेस. क्योंकि ये है वाला ग्रेविटेशन, क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमेशा अट्रैक्टिव, तो इसीलिए माइनस लगा है. माइनस का मतलब वही है. और आर कैप क्या है हमारा, यूनिट वेक्टर जो सिर्फ क्या देता है, डायरेक्शन. कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो ये ग्रेविटेशन की दूसरी कहानी आज समाप्त होती है. पढ़ाई करते रहे, रिवीजन करो. रिवीजन प्लान बोला था बनाने के लिए, बनाए. हर वीक का प्लान रखो कि हमें इस वीक फिजिक्स में क्या रिवीजन करना है, कौन सा चैप्टर, केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर, बायो में कौन सा चैप्टर, समझ गया ना. और उसमें तरीका क्या है वाला, तरीका यही है, एक तो हम जो टेस्ट दिए हैं फिर से उसको दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात. पेपर उठाया, दे दिया, जो भी डाउट हुआ कॉपी में हमने उसके रहते हैं, हमने जितने पेपर हुआ सबका क्या हुआ है, पेपर एनालिसिस. दौड़ते हुए नहीं आना है, कराया गया है आपको, नहीं लिखा हुआ है आपकी गलती है, हम तो बिल्कुल नहीं बताने वाले. दूसरी बात, ठीक है, तो पेपर एनालिसिस होता है, आप देखें उसमें, जो नहीं बना उसको देखिए वहाँ पे, ठीक है. दूसरी बात, PYQ उठाइए, जो आप चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं उससे कम से कम 15-20 क्वेश्चन PYQ कर लीजिए, और 10-15 क्वेश्चन मॉड्यूल से कहीं भी से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉपर रिवीजन हो जाएगा. तो वैसे प्लान रखिए फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का, हर वीक का, कि हाँ इस वीक हमारा ये प्लान है, बस हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है. और पढ़ते रहो, अभी क्लास नहीं होगी दोपहर तो बताना, ठीक है. और फिर बच गया बालक हमारा ग्रेविटेशनल, इस पर करेंगे बात, और उसके बाद एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी अपन दिवाली से पहले इसको आधा खत्म कर लेंगे. क्या कर लेंगे, आधा खत्म, और दिवाली के बाद आधा खत्म, ठीक है, पूरा खत्म. फिर फ्लूइड और हीट, फ्लूइड भी खत्म कर लेंगे जल्दी, हीट बच जाएगा, एसजे में बच जाएगा, एक आसी कहानी ओसिलेशन वाला. ओवर एंड आउट, थैंक यू.